कुलपति श्रीमान मारकंडे आहूजा जी, राष्ट्रीय पुनर्रचना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय जीवन, इसके संस्कारों के हर विद्यार्थी के लिए स्वाभाविक तौर पर हरियाणा में अभिभावक की भूमिका में और देश भर में उनकी पहचान है। ऐसे श्रीमान अरबवाद जी, माननीय कृष्णकांत जी प्राचार्य महाविद्यालय, मैं थोड़ा सा असहज स्थिति में हूं। असहज स्थिति में इसलिए हूं कि व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण, इस पर कार्यशाला 2 दिन कर चुका हो, संपूर्ति का 17 हो, तो उसमें क्या करना चाहिए। वैसे भी संपूर्ति का 17 एक मेला जो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा हो, एक कारवा जो अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहा हो, उसको कुछ करने के लिए खुद को नंदा दीप सा, लाइट हाउस सा होना पड़ता है, और मैं वो नहीं हूं, इसलिए मुझे कठिन है। तथापि आदेश है तो कृष्ण का आदेश है, इसलिए अर्जुन जैसा सिर्फ इतना कह सकता हूं, यथा तो उसमें तथा करो उसमें। चरित्र को लेकर के और व्यक्तित्व को लेकर के, ये जो सामाजिक परिवेश है, जो वर्तमान कालखंड है, इसमें एक विभ्रम की स्थिति है। विशेषतः चरित्र को लेकर के हम अपने पारिवारिक मूल्यों के कारण, अपने सामाजिक मूल्यों के कारण से कुछ स्पष्टता को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन व्यक्तित्व को लेकर के एक अच्छा व्यक्तित्व क्या है, ए पर्सन, हमारी अपनी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के तमाम तरह की प्रतिपत्तियां हैं, तमाम तरह के डिस्कशन आज दुनिया में चल रहे हैं, उससे भारतीय समाज भी अछूता नहीं। ये पर्सनालिटी का प्रश्न भारतीय परंपरा में जो उठता रहा है, भारत के समाज में उठता रहा है, जो अनादि रूप से उठता रहा है, वो प्रश्न तो दूसरे रूप में है। वो प्रश्न बाह्य समाज के लिए व्यक्तित्व की पहचान नहीं है, स्वयं के लिए अपनी पहचान का प्रश्न, को हम कस्तम आयात है, को मे जननी, को मम माता, इत्यादि प्रश्न अपने को एज ए पर्सन, अपने व्यक्ति के रूप में पहचानने के प्रश्न रहे। और जो अपने को जान लेता है, स्वयं की पहचान हो जाती है, मैं कौन हूं, वही संपूर्ण व्यक्ति बन करके उभरता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉडर्निज्म के बाद, मॉडर्निटी के बाद, पर्सनालिटी को पहचानने के लिए इंटरपर्सनल रिलेशन और ग्रुप बिहेवियर, इसको आधार बनाया गया। हम समूह में जैसा व्यवहार करते हैं, समूह में जैसा हमारा संपूर्ण व्यवहार दिखाई देता है वह, और हम अन्य व्यक्तियों के साथ जब संबंध स्थापित कर रहे होते हैं, उनसे मित्रता कर रहे होते हैं, उनसे दोस्ती कर रहे होते हैं, या उनसे शत्रुता कर रहे होते हैं, तो हम किस रूप में सामने आते हैं, यानी एक दूसरा हिस्सा आया पिछले 400 वर्षों से दुनिया में कि हमें दूसरा कैसा देखते हैं। भारतीय परंपरा में व्यक्ति को और उसके व्यक्तित्व को पहचानने का एक बड़ा छोटा सा फार्मूला है, इतना छोटा फार्मूला है कि शायद उससे आसान कोई चीज नहीं हो सकती है। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, पुराने सामाजिक अनुबंधों के आधार पर कहा करते थे, अच्छा व्यक्ति वह है जो दिन में ऐसे काम करता है जिससे रात को उसको अच्छी नींद आए, और रात में अपनी गतिविधियों को इस प्रकार का रखता है कि दिन के उजाले में हर व्यक्ति से आंख मिला करके चल सके। और यह पूरा का पूरा व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण, एक व्यक्ति
व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे कर्ता के रूप में, एक ऐसे सामाजिक प्राणी के रूप में, एक ऐसे परिवार के सदस्य के रूप में जिसकी प्रामाणिकता पर कोई संशय न रहे, निर्मित करने का सबसे आसान फार्मूला है। इससे छोटा जंतर कोई बन नहीं सकता। लेकिन अभी की स्थिति क्या है, हमने जिस प्रकार का सिविलाइजेशनल मॉडल अख्तियार किया है, जिस प्रकार की सभ्यता दृष्टि स्वीकार की है, यह सभ्यता दृष्टि इतर की दृष्टि से देखने की दृष्टि है। दूसरे हमें क्या कहेंगे, दूसरी की आंखों में हम कैसे लगते हैं। पर्सनैलिटी की बात की जाए तो यूरोप में जेंटलमैन कॉन्सेप्ट है। यह जेंटलमैन कॉन्सेप्ट कहां से आता है, बड़ी मजेदार बात। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बूचर पहुंच गया, अब कसाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंच गया तो यूरोप के इंग्लैंड के परंपरागत समाज में जो इलीट क्लास था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर अपना कब्जा मानता था, उसको बहुत आपत्ति हुई। कसाई का व्यवसाय करते हैं, उसने पर्याप्त पैसा इकट्ठा किया और पर्याप्त पैसा इकट्ठा करके जो वर्ग हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुनाव करता था, कुलीन वर्ग, उस वर्ग के लोगों को उसने पैसे से खरीदा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंच गया। उसके बाद इंग्लैंड में लंबे समय तक बहस चली कि आखिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैसे लोग को जाना चाहिए। तो यह तय किया कि उसे जेंटलमैन होना चाहिए, ही शुड बी जेंटलमैन। अब जेंटलमैन कौन है, हु नोस ला लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो भाषा जानता है, जो कानून जानता है, और जिसका यूरोप के इंग्लैंड के साहित्य से परिचय है, वही जेंटलमैन हो सकता है। यूरोप में पहली बार जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट, यानी एक आदर्श व्यक्ति का कॉन्सेप्ट, यह जो बना, यह बना ही व्यक्ति के मूल्यांकन के आधार पर नहीं, व्यक्ति के अपने स्वभाव और गुणों के आधार पर नहीं, वह बाहर कैसा प्रतिध्वनित तो होता है इसके आधार पर। भारत के अंदर व्यक्तित्व निर्माण के जो आधार रहे हैं, उसको अगर पहली शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में हम देखने की कोशिश करें तो दो नाम दिखाई देंगे भारत के अंदर, मदन मोहन मालवीय और गांधी, महामना और महात्मा। भारत के अंदर जेंटलमैन कॉन्सेप्ट की अपेक्षा यह वो कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरे स्वाभिमान के साथ घुटने से ऊपर तक की एक धोती और सारा शरीर नंगा एक लाठी लिए हुए व्यक्ति बर्किंगम पैलेस में सारी दुनिया को जीत चुके राज्य के महाराज से भी गर्वपूर्वक मिल सकता है। दूसरी तरफ मालवीय पर तो एक ऐसा व्यक्तित्व निर्मित होता है, अपने कालखंड का एक बैरिस्टर है, 1911 में वकालत छोड़ता है, 5000 रुपए प्रतिमाह की उसकी लगभग प्रैक्टिस 1911 में। एक विश्वविद्यालय समानानी के सपने के साथ काले कोट को उतार करके टांग देता है, पिता से 100 रुपए पहला अनुदान से प्राप्त होता है, पहला चंदा प्राप्त होता है विश्वविद्यालय बनाने के लिए। 5000 की प्रैक्टिस वाले बैरिस्टर को पहला चंदा अपने ही पिता से 100 रुपए का प्राप्त होता है और उसके साथ निकल पड़ता है। ₹50,00,000 हो जाएंगे सोसाइटी के पास और ₹50,00,000 और इकट्ठा करने के वास्तविक जायज सोर्स दिखाई देंगे, तब हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक आएगा। इसकी शर्त ला दी जाती है उस आदमी पर जो 100 रुपए लेकर के घर से निकला हुआ है और 4 वर्षों के अंदर भारत के समाज में छोटे कद के अकिंचन व्यक्ति के वो
1911 से लेकर 1914 के बीच 1,32,00,000 रुपए नगद राशि चंदे के रूप में प्राप्त हो जाती है। आज 1,32,00,000 रुपए की कल्पना इस समय की परिस्थितियों में नहीं कर सकते। वो व्यक्तित्व के कारण से होता है, वो चरित्र के कारण से होता है। अब वो चरित्र क्या है, उसी चरित्र को मालवीय, उस चरित्र निर्माण का आधार क्या होगा, उसी को गांधी और मालवीय दोनों शिक्षा और स्वावलंबन, सादगी और सुचिता, सत्य और अस्तेय, इस प्रकार के जीवन मूल्यों के आधार पर प्रतिपादित करते हैं। भारत के अंदर महावना होने का, महात्मा होने का, एक विशिष्ट व्यक्तित्व होने का जो आदर्श है, और जो यूरोपियन आदर्श बना था, इन दोनों के बीच एक मतभेद है। एक स्वयं के प्रति जीवन की संतुष्टि के आधार का आधार बनाता है, दूसरी तरफ एक दूसरों के निगाह में हम कैसा होंगे। जिसे इसी को विवेकानंद ने कहा था, हमारे यहां व्यक्ति के निर्माण का आधार जो है वो धर्म है, और यूरोपियंस आपके यहां व्यक्ति के निर्माण का आधार टेलर है। यानी एक बाह्य निर्मिति है, अच्छा दिखना चाहिए, एक दूसरी दृष्टि है अच्छा होना चाहिए, होने और दिखने के बीच जो अंतर है, इस अंतर को पहचानना, होने की प्रक्रिया में जो जरूरी है उसको स्वीकार करना, और इस स्वीकार करने का निरंतर यत्न करना ही भारत में व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। और इस पूरी प्रक्रिया से व्यक्ति का चरित्र उभर करके सामने आता है। यह चरित्र भारत के अंदर स्वभाव के रूप में स्वीकार किया। अब भारतीय परंपरा वस्तुतः मनुष्य को समझने के लिए जिसको आधार बनाती रही है, और भारत के अंदर हजारों वर्षों से उसी को आधार बना करके मूल्यांकित किया जाता रहा है, वह भगवद गीता है। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य की भूमिका क्या है, मनुष्य किस प्रकार से स्थिर चित्त होकर के काम कर सकता है, वह कौन सा रास्ता है जिसको स्वीकार करने के बाद मनुष्य अपने जीवन को तो संतोषजनक बनाएगा ही, दूसरे के भी जीवन में कुछ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। यह संपूर्ण चीज मिलाकर के भारत में चरित्रवान व्यक्ति का आधार बनाती है। और भारत ही एकमात्र दुनिया में देश है जहां सोर्स ऑफ रिलीजन धर्म के रूप में, सोर्स ऑफ रिलीजन के रूप में, सोर्स सदाचार को भी स्वीकार किया गया। मनुस्मृति का भी कहता है, सुखी स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्मन, सदाचार मेरे लिए धर्म का स्रोत है। अब सदाचार क्या होगा, तो कुल परंपरा में, सामाजिक परंपरा में श्रेष्ठ गणों के द्वारा और अन्यों के द्वारा अनिंदित, जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है, इस प्रकार का आचरण जो है वही सदाचार है। और उस आचरण का अनुवर्तन करना, उसको स्वीकार करना, वैसा ही करना, यह सदाचरण है, यही मनुष्य के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। यदा चरति श्रेष्ठ तदेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तव अनुवर्तते। यानी साधु व्यवहार, सज्जन पुरुष का व्यवहार, महामना और महात्मा का व्यवहार, यह व्यवहार ही सदाचार है।